1. भीलवाड़ा में 6 लोगों के अजमेर पहुंचने पर मचा हड़कंप। भीलवाड़ा में हालत खराब होने के बाद 22 मार्च को पहुंचे थे अजमेर में। कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश में सबसे संक्रमित जिला भीलवाड़ा है, जहां 6 लोग अजमेर के आदर्श नगर माधव नगर पहुंच गए, जिसके कारण शहर में हंगामा खड़ा हो गया। मामले की सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी गई। पड़ोसियों की सूचना पर तमाम सरकारी महकमा भीलवाड़ा से आए हैं सदस्यों की जानकारी जुटाने में लगा है तथा पता चला कि सभी भीलवाड़ा में हालत खराब होने के बाद 22 मार्च को अजमेर पहुंचे थे, लेकिन इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं दी गई, जिसके बाद पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी और मामले में सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने घर के बाहर नोटिस चस्पा कर सभी को पाबंद किया है। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। इसी बीच शहर में अलग अलग स्थानों से आने वाले लोगों को होम आइसोलेट किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बीच संविदा नर्सेस कर्मियों ने की नियमितीकरण की मांग। पुलिस ने प्रदर्शन करने वाले नर्सेस कर्मियों को समझाइश कर हटवाया। देश भर में कोरोना कोरम मचा हुआ है। इसी बीच आज सुबह जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के संविदा नर्सेस कर्मियों ने सरकार से नियमितीकरण की मांग कर डाली है। इनका कहना है कि राजस्थान भर में कोरोना वायरस जैसी बीमारी के बीच संविदा नर्सेस कर्मी कार्य कर रहे हैं, इसलिए सरकार का भी निर्णय लेना बनता है कि वह संविदा नर्सेस कर्मियों को नियमितीकरण करे। प्रदर्शन की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर सभी को वहां से हटवाया। आज राजस्थान की समस्त संविदा नर्सेज जो कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस बीमारी से प्रदेश के और देश में सभी मरीजों की सेवाएं कर रहे हैं, आज सरकार का जो दोहरा चरित्र जो सामने आ रहा है वो ये है कि संविदा कर्मचारियों को जोखिम भरे वार्डों में और कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के इलाज में लगाया जा रहा है, लेकिन संविदा कर्मचारियों को ना तो कोई जोखिम भत्ता दिया जाता है ना कोई उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति। तो राजस्थान की समस्त संविदा नर्सेज और अजमेर राजस्थान की राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ये मांग रखती है कि राजस्थान की समस्त संविदा नर्सेज को नियमित किया जाए। जैसे 25 मार्च को अभी निदेशालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें 735 डॉक्टरों को नियमित किया गया है, उसी तर्ज पर राजस्थान की समस्त संविदा नर्सेज को नियमित किया जाए तथा जोखिम भत्ते जो नियमित कर्मचारियों को दिए जाते हैं वो संविदा कर्मचारियों को भी दिए जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो समस्त संविदा नर्सेज तथा नियमित नर्सेज काम का बहिष्कार करेगी। आज हमने 2-2 मीटर का गैप रखते हुए सरकार को तथा प्रशासन को चेतावनी दी है कि आप हमारी मांगों को जल्दी पूरी करें, अगर नहीं होता है तो आंदोलन करेंगे। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर जिलाध्यक्ष गंगासरन जाटव। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से वार्डों में होगा दवाई का छिड़काव। सभी वार्डों में किया जाएगा छिड़काव। कोरोना वायरस को लेकर नगर निगम द्वारा अजमेर के कोने कोने को सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि अजमेर में कोरोना संक्रमण न फैले। इसको लेकर उपायुक्त गजेंद्र सिंह रलावता ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक अजमेर के सभी वार्डों को सैनिटाइज नहीं किया गया। इसी को देखते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के माध्यम से अलग अलग वार्डों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड की बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियां टेम्पो के माध्यम से भी दवाई का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोई भी वार्ड सैनिटाइज होने से ना बचे। नगर निगम द्वारा अब सारे ही वार्ड्स में अगले 5 दिन में हाइपोक्लोरिक एसिड का स्प्रेइंग करवाया जाएगा। तो नगर निगम के टेम्पो से करवाया जा रहा है, फायर के व्हीकल से करवाया जा रहा है। तो हमारे टोटल 5 व्हीकल चलेंगे, 3 छोटे और 2 बड़े व्हीकल चलेंगे। आज नसीराबाद रोड और वार्ड नंबर 45 का पूरा करवाया जा रहा है एंड डेली एक शेड्यूल बन के सारे पार्षदों के मार्फत सारे वार्ड्स में करवाया जाएगा, इसकी स्प्रेइंग करवाई जाएगी। जी सर बताइए। नगर निगम द्वारा जो ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव है जो कि इस जीवाणु जो कि कोरोना का जो वायरस है इसके लिए बहुत ही गवर्नमेंट के द्वारा जो सुझाया गया हुआ है इसको दवा को पहले हम जो पिट्टू पंप से द्वारा भी वार्ड में हो रहा है, साथ ही हमारे जो टेम्पो है उनके द्वारा किया जा रहा है। अब हम विशेष रूप से जो कि बड़ी सड़कें हैं और जो दुकानदार हैं और बड़े बड़े जो पूरे के पूरे हमारे को वार्ड करने हैं, इसलिए हमारी 5 फायर की गाड़ियां, 3 छोटी 2 बड़ी गाड़ियां भी इसमें यूज़ कर रहे हैं। आज हमारे यहां से हम इसमें 27-28 वार्ड जो हैं 2 पूरे वार्ड इस गाड़ी से कराएंगे। इसी तरीके हमारे अलग अलग पूरे शहर में हमारे वार्ड है और 3 दिन में हमें पूरे
पूरे के 60 वार्ड हमारे हो जाएंगे। पार्षदों को हम सूचना दे रहे हैं, साथ ही आपके माध्यम से सभी से निवेदन है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहें, बाहर ना आएँ, ताकि हमारे को सहयोग करें और हम उनके लिए ड्यूटी कर रहे हैं। आप लोगों के द्वारा हमारी ये सब पब्लिक का अपील है। सर अभी लगातार अभी कई वार्डों पर सैनिटाइजर हुआ भी नहीं है। बिल्कुल, हमने इसीलिए एक पूरा शेड्यूल बनाया, पूरी कार्य योजना बनाई और एक एक वार्ड हमने लिया है। उसमें जो बड़े बड़े वार्ड हैं जहाँ की फायर की गाड़ी पूरी हिसाब से जा सकती है, बड़े रोड हैं वहाँ हमने बड़ी गाड़ी ली है, जहाँ छोटी गाड़ी की व्यवस्था छोटी ली है, और जहाँ बिल्कुल टेम्पो, उसके अलावा हमने एक एक मोहल्ले की गलियों का हमने जमादारों से आज लोकेट करा लिया है। उन गलियों के हिसाब से हम पिट्टू से एक एक गली कराएंगे, निश्चित रूप से शहर का कोई भी एक जगह नहीं छूटे। महिलाओं ने दूरी बनाकर की गणगौर की पूजा, मास्क पहनकर बैठे पूजा में। कोरोना वायरस के चलते सभी त्योहारों पर इस साल असर देखने को मिला। पहले चेटीचंद, महावीर जयंती, रामनवमी पर होने वाले आयोजनों को रद्द किया गया। वहीं आज गणगौर के मौके पर महिलाओं ने घरों में पूजा की और सारी महिलाएं गणगौर की पूजा में मुंह पर मास्क पहनकर बैठी रही, साथ ही एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखी। महिलाओं ने मीडिया के माध्यम से आम जनता से अपील की है कि वे अपने घरों में रहें और अपने हाथों को धोएं और साथ ही मास्क का उपयोग करें, प्रधानमंत्री मोदी की गई बातों की पालना करें ताकि हम सब सुरक्षित रहें। हम किस चीज़ की पूजा की जा रही है और आपने किस तरीके से आज पूजा की है? आज कोरोना वायरस के कारण हमने सबने मास्क पहना है और ना अपने आसपास दूरी बनाई हुई दूरी बना के और फिर बैठे और उस तरीके से पूजा की है। आज गणगौर है, गणगौर की पूजा की जाती है, वो अपने सुहाग के लिए की जाती है पूजा। इसमें कहानी सुनी जाती है और गीत गाए जाते हैं, वैसे ही बहुत धूमधाम से, और उद्यापन भी किया जाता है, लेकिन इस कारण उद्यापन भी काफ़ी कैंसिल हो चुके हैं और ये अपने स्वागत के लिए की जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है हम उनके साथ हैं, और वैसे ही हमने गणगौर की पूजा करी है, 1 मीटर का स्पेस बना के, और हमने गणगौर जी को मनाया है और हमने गणगौर जी की पूजा उसी प्रकार की है कि हम जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए घर में रहकर हम गणगौर जी की पूजा कर रहे हैं और 1 मीटर का स्पेस बनाकर गणगौर जी की पूजा करी है और मास्क पहन के, और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या बाहर जाते हैं तो आकर हम किसी भी वस्तु को बिना छुए पहले हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही हम किसी वस्तु के हाथ लगाते हैं। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और जनता कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद। लगातार दूसरे दिन भी रसद विभाग की कार्रवाई रही जारी। सतगुरु ट्रेडर्स पर की कार्रवाई, रेट लिस्ट देकर किया बाबा, पेड़ से ज्यादा राशि वसूलने पर की जाएगी कार्रवाई। जहां एक तरफ कोरोना वायरस का कोहराम मचाया, उसी बीच दुकानदारों ने कालाबाजारी करना शुरू कर दिया है। ऐसी संकट की स्थिति के बीच सभी दुकानदार कालाबाजारी कर रहे हैं और महंगे दामों में सामान बेच रहे हैं। इसको लेकर लगातार रसद विभाग को शिकायत मिल रही थी, जिस पर रसद विभाग अधिकारी अंकित पचार के निर्देशन में अलग अलग टीमों का गठन किया गया और अलग अलग क्षेत्रों में भेजा गया। कल भी चंद्रवरदेई क्षेत्र स्थित एक दुकान पर कार्रवाई की गई, वहीं आज सदगुरु ट्रेडर्स नामक किराना की दुकान पर कार्रवाई की गई और उन्हें रेट लिस्ट देकर पाबंद किया गया कि अगर उन्होंने फिर से ज़्यादा राशि वसूली तो उनकी दुकान को सीज किया जा सकता है। जी सर, किस तरीके की कार्रवाई करी है आज और कहाँ कहाँ करी है? यहाँ पड़ाव में उपभोक्ताओं की शिकायत मिली थी कि कुछ दुकानदार होलसेलर जो है, जैसे इनका भी सदगुरु का नाम था, रमेश ट्रेडर्स का नाम था, कि कुछ आटे के भाव ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे अभी भी ये बता रहे हैं 350-400 के आसपास तक कन्नाडा आटा बेच रहे थे। तो कल भी आए थे, कल दुकान बंद थी, लेकिन अभी आके इनको पाबंद किया गया है और अगली बार शिकायत पाएगी तो सीज भी किया जाएगा, सील भी की जाएगी दुकान। कोई सूची जारी करी है आपने रेट लिस्ट की? हाँ, रेट लिस्ट की सूची गवर्नमेंट ने जारी करी है ना, जिसमें आटा 30 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बेच सकते। आटा 30 है, चावल 30 रुपये किलो है, दाल 65 रुपये किलो है। इस प्रकार सर लगातार आप देखा जा रहा है कि वायरस का खौफ बढ़ रहा है और आपने वार्डों में तो लिस्ट जारी करी, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें ग्रामीणों को किस तरह की लिस्ट है? पूरे जिले के लिए एक ही है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर SDM को कितना पावर दे रखी है और SDM के निर्देशन के अंदर वहाँ पे पूरा किया जा रहा है। फूड भी नहीं पहुँच पा रहा है? नहीं, फूड की सप्लाई पूरी हो रही है ना, जहाँ जहाँ से अगर आ रही है तो वहाँ सप्लाई की जा रही है। ठीक है। भाई जी, वो बच्चों कितना साल को है? 3 साल। 3 साल का। अच्छा, तो आप अजमेर में कितने साल से काम कर रहे थे? 3 साल से काम कर रहे हैं। 3 साल से काम कर रहे हैं। के बाद ये आए थे हम। अच्छा,
मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो गया। ट्रांसपोर्ट तो अब वो करीब करीब बंद है। मुश्किल वक्त में नाशादो नाकारा फिरूं, तन्हा तपती सड़क पर आवारा फिरूं, बहुत अरसे से मारे दर्द के रूह जलती है मेरी, बताए खुदा आखिर कब तलक मारा मारा फिरूं। ये कहानी है इन दिनों सैकड़ों लोगों की, सैकड़ों ऐसे लोगों की जो कोरोना वायरस की मार की वजह से अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, सैकड़ों ऐसे लोगों की जो बड़े महानगरों में रहकर रोजी रोटी की तलाश में सारा दिन काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और शाम को कमाकर अपनी भरण पोषण करते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा, बड़े शहर तो छोड़िए, कुछ ऐसा ही नज़ारा इन दिनों अजमेर जयपुर के बीच भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सैकड़ों लोग इस तरह से शहर छोड़कर इस उम्मीद में जा रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस की मार के तले मौत को गले लगाना ही है, क्यों ना अपने लोगों के साथ जाकर उनके साथ ही मौत को गले लगाया जाए। हमारे सहयोगी शौकत अहमद और आनंद शर्मा ने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की। कोरोना वायरस की मार के चलते सारे आने जाने के साधन बंद है, बसें बंद हैं, गाड़ियां तक बंद हैं, तो इस माहौल में ये सब लोग पैदल ही 400-500 किलोमीटर दूर पैदल ही जाने की सोच रहे हैं। भाई जी, वो बच्चों कितना साल को है? 3 साल। 3 साल का। अजमेर में क्या काम करते थे आप? अच्छा, आप भी? अच्छा, आपके परिवार के कितने जने हैं? अच्छा, तो आप अजमेर में कितने साल से काम कर रहे थे? 3 साल से काम कर रहे थे। 3 साल से काम कर रहे थे। के बाद ही आए थे हम। अच्छा, तो अब आप यहाँ से कहाँ जाएंगे? सवाई माधोपुर पैदल। आपको पता कितना लंबा रास्ता है? 250-300। तो आपने खाने पीने का सामान साथ लिया है? अभी तो सुबह ले आए थे रोटी बना के। अच्छा, और रास्ते में फिर कैसे रहेंगे? थोड़ा बहुत पैसे हमारे पास, उनसे करेंगे गुजारा। अच्छा, ठीक है। आपका नाम क्या है? हुकुमचंद। आपका नाम बताएं। तेजवीर। अहमदाबाद में क्या करते थे आप? ट्रांसपोर्टेशन। तो आप वहाँ से बाइक पे निकले? अच्छा, तो राम शर्मा। आप वहाँ क्या करते थे? मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो गया। ट्रांसपोर्ट का। तो अब वो करीब करीब बंद है? वो करीब करीब लास्ट 36 से क्लोज है। अब आप अहमदाबाद से कब निकले? अहमदाबाद से रिटर्न मैं रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं हम चारों। अच्छा, तो अहमदाबाद से। अच्छा, तो अब आप हरियाणा जाएंगे? हरियाणा। अच्छा, तो आपको रास्ते में अब होटलें बंद मिलेंगी, तो आपने खाने के बारे में क्या सोचा? खाने की व्यवस्था मैं इसके लिए प्रशासन को थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बार काफी टाइम्स में पुलिस वाले हैं जो खाने की व्यवस्था अच्छी की हुई है, उन्होंने खाना दे रहे हैं वो लोग। अच्छा, उनके लिए मैं दिल से थैंक्स बोलूँ। उपखंड अधिकारी भीम की आज की तारीख में जारी करवाई। लो साहब, देखो इसकी परमिशन की फोटो दिखवा दे। जाओ। अच्छा, जाओ घर जाने के लिए। तो अब आप भीम जा रहे हैं? नहीं सर, घर नहीं। भीम से कहाँ? भीम से जा रहा हूँ रेनवाल जयपुर। रेनवाल जयपुर। जी नमस्ते, आपका शुभ नाम बताएं। राम जी यादव। राम जी, आप अहमदाबाद में क्या काम करते थे? कलर का काम। हाँ जी। अच्छा, तो आप अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल पे निकले हैं जी। तो आप अहमदाबाद से कहाँ की ओर जा रहे हैं? आगरा। आपको मालूम है अहमदाबाद से आगरा की दूरी कितनी है? करीब ऐसा 1100 किलोमीटर जैसा। 1100 किलोमीटर। तो आप अहमदाबाद से कब निकले थे? कल शाम को। तो आपको ये पता है रास्ते में खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या करेंगे, वहाँ पे रहेंगे तो क्या खाएंगे? अभी सब बंद है, काम पे जा नहीं सकते हैं, ऐसा कोई मतलब कौन देगा? अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। आपकी माँ किसी ने मदद नहीं की?
कौन मदद करेगा वहाँ पे? कोई मतलब पहचान वाले वो भी सब आ ही रहे हैं, गांव ही आ रहे हैं। गांव ही आ रहे हैं। अच्छा, आपका गांव का क्या नाम है? हिमाचल नगर। हिमाचल नगर। आप ये बताएं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 3 भाई हूँ, मेरे पापा हैं, भाभी हैं, वो सब घर पे रहते हैं। मैं 2 भाई यहाँ पे काम करते हैं। अहमदाबाद? तो आप अहमदाबाद से दिहाड़ी में कितना कमा लेते एक दिन में? 500 रुपए। 500 तो डेढ़ करते हैं तो 750 रुपए। तो आप अहमदाबाद से बाइक पे निकलेंगे, तो आपको रास्ते में किसी ने मदद की? नहीं, कोई मदद नहीं की। हाँ, लोग मिले थे उदयपुर में, अच्छे लोग थे, उन्होंने थोड़ा चाय पिलाई, नाश्ता भी किया, कराया था और पानी की बोतल भी दी थी। आपका ये बच्चा कितने साल का है? ये मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरी बहन का बच्चा है। अच्छा, तो आपकी बहन भी आ रही है पीछे, तो आप उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं? वो लोग पीछे हैं, मैं आगे आ गया था तो। अच्छा अच्छा, आपको ये नहीं लगा कि आप इतना दूर जा रहे हैं, रास्ते में गाड़ी खराब हो जाएगी, पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में क्या सोचा आपने? क्या करें, जाना तो है ही। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि इतनी बड़ी रिस्क है? वहाँ पे रहेंगे तो ज्यादा और रिस्क है। अच्छा, वहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है, चल देंगे। अच्छा, वहाँ मतलब आप कितने सालों से काम कर रहे थे? लगभग 10 साल से। 10 साल से। आप अजमेर में क्या काम करते थे? काम करते हैं सर, पत्थर का। पत्थर का। अच्छा, अजमेर से कहाँ जा रहे हैं सर? हिंडोन सिटी करो। हिंडोन सिटी कितना दूरी है पता सर, आपको? 300 समथिंग। 300 समथिंग। तो आपको किसी ने मदद नहीं की सर? मदद तो अगर के भी थे, हम किसके घर रुकते, हम किसी को जान फिर अभी आए 20 तारीख को गांव से, अभी भारत बंद हो गया, फिर डेट भी बंद। कितने साल से काम कर रहे हैं सर? या अच्छा अच्छा, तो आपके जो ठेकेदार है उसने कोई मदद नहीं की? नहीं, ठेकेदार नहीं है सर, हम अच्छा। लौट कर आ जाती है अक्सर इस दिल की हर सदा, पर उम्मीद है इस बार हर ख्वाब मुकम्मल होगा। कोरोना वायरस इस देश पर, इन लोगों पर कितना कहर और कौन सा कहर बरपाने वाला है, यह तो ईश्वर ही जाने, पर उम्मीद करेंगे कि यह सफर भी एक दिन सकुशल पूरा होगा। टीम होराइजन हिंद के साथ शौकत अहमद और आनंद शर्मा। सत्तावन में लोगों को सस्ते दामों में दिया गया आटा और सब्जियां, विधायक देवनानी ने किया वितरण। 100 रुपए में 5 किलो आटा और 20 रुपए में दिए 1 किलो आलू। कोरोना वायरस को देखते हुए राजस्थान लॉकडाउन है, ऐसे में लोगों को खाने पीने में कोई कमी न आए, इसको देखते हुए जनप्रतिनिधि भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आज विधायक वासुदेव देवनानी द्वारा वार्ड 49 में लोगों को सस्ते दामों में आटा और आलू दिए गए। देवनानी ने बताया कि जिस प्रकार आटे का कट्टा 160 का आता है उसे 100 रुपए में दिया गया, साथ ही आलू जो कि 40 रुपए किलो है उसे 20 रुपए में दिया गया। इसके अलावा सत्यम में जो गरीब लोगों में भोजन वितरण करना है उसको लेकर भी देवनानी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि करीब 3,500 पैकेट आज बांटे जाएंगे। जी सर, आज के कोरोना के इस महामारी के दौरान किए गए लॉकडाउन के अंतर्गत जनता चूंकि घरों पे है, इसलिए जनता को सही मूल्य पर सामग्री मिले, ताकि आलू है, आटा है, उसको पर्याप्त मिले, तो यहाँ वार्ड 49 में यहाँ के पार्षद महेंद्र जाधव ने आज इसकी व्यवस्था की है, जिसमें जनता को हम जो 160 रुपये का आटे का कट्टा है वो केवल 100 रुपये में, और आलू जो 30-35 रुपये किलो मिल रहा है वो 20 रुपये में हम जनता को दे रहे हैं। सबको डिस्टेंस पे 1-1 मीटर गोले बना करके हमने खड़ा किया है, ताकि जो कानून है सोशल डिस्टेंस का उसका भी पालन करें और जनता को सस्ते मूल्य पर सामग्री उपलब्ध करा के उनको 2 समय का भोजन सही समय पर मिल सके, इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधि प्रयत्न कर रहे हैं। आज मेरे इस अजमेर उत्तर में वार्ड 49 की व्यवस्था हुई है, हम सोच रहे हैं ऐसा हम कई जगह कर रहे हैं। इसी प्रकार हमने विभिन्न वार्डों के जो ऐसे गरीब लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं जिनको भोजन नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए आज से हमने सत्यम में जनता रसोई
की व्यवस्था की है, जिसमें आज लगभग 3,500 पैकेट बना करके हम पार्षदों के माध्यम से विभिन्न वार्डों में हम भेज रहे हैं, ताकि ऐसे लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जिनकी पूरी तरह से आय नहीं है, ऐसों को ये निःशुल्क हम भोजन उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें भामाशाह भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और उसमें अक्षय पात्र से हम रोटियां मंगवा रहे हैं और सब्जी वहां तैयार करके और पैकेट्स में बंद करके दे रहे हैं, ताकि गीली सब्जी के कारण संक्रमण न हो और आपस में लोगों का मिलना नहीं हो। इसकी सारी व्यवस्था हम लोगों ने की है, ताकि अजमेर के कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए, कोरा न हारेगा और भारत जीतेगा, इसी महामंत्र को लेकर के हम सेवा के काम हमारे सारे जनपदी मिलकर के कर रहे हैं। मित्तल अस्पताल सहित अजमेर के कई भवनों का हुआ अधिग्रहण। कोरोना वायरस को लेकर लिया गया अहम फैसला। दुनिया में तेजी से फैल रही महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, साथ ही राज्य सरकार भी इसमें अहम भूमिका अदा कर रही है। इसी के तहत कल शाम आदेश जारी किए गए कि अजमेर में मित्तल अस्पताल, विजयलक्ष्मी पार्क, लखोटिया धर्मशाला, खादिम टूरिस्ट होटल, इंडोर स्टेडियम और रेड क्रॉस सोसाइटी का अधिग्रहण किया गया। साथ ही सूचना जारी की गई कि राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट की धारा 2 के तहत तथा चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 12/3/2020 में प्रदत्त शक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 के अंतर्गत अवाप्त किया जाता है। तत्काल भवनों को JNN मेडिकल कॉलेज अजमेर को सुपुर्द करने के निर्देश दिए हैं। उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर भारतीय दंड सहित IPC की धारा 188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 57 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अजमेर पुलिस को भी दिखानी पड़ी सख्ती, बेफालतू घूमने वाले लोगों से कराया उठक बैठक, घर से बाहर निकलेंगे तो जारी रहेगी पुलिस की सख्ती। अजमेर में लॉकडाउन के बाद अजमेर पुलिस द्वारा शहर की आम जनता को लगातार कुछ दिनों से अपील की जा रही है कि वे अपने घरों से बाहर ना निकले, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। इसी के तहत अजमेर पुलिस कुछ दिनों से शहर में बेफालतू घूमने वाले लोगों की गाड़ियों भी जब्त कर रही है, लेकिन फिर भी शहर की आम जनता अभी तक समझ नहीं पा रही है, इसलिए अजमेर पुलिस ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। बेफालतू शहर में घूमने वाले लोगों को उठक बैठक करवाकर समझाया जा रहा है कि अगर इसके बाद भी वे शहर की जनता नहीं मानती है तो अपने घरों से बाहर निकलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि अजमेर संभाग के भीलवाड़ा जिले में बड़ी संख्या में वायरस के पॉजिटिव मिलने के बाद अजमेर प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है और जगह जगह पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई है और आम जनता को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, कैसे समझाइश की जा रही है? समझाइश लगातार 5 दिन से हम समझाइश ही कर रहे थे पब्लिक को, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा सा समझने में कमी है लोगों को। बार बार एक एक चीज़ के लिए व्हीकल्स लेके थानों से निकल घरों से निकल रहे हैं और स्टोर पे एक जगह खड़े होकर भीड़ कर रहे हैं। इनको लगातार समझाइश की, जितने भी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है और जो डेयरी सब्जी के ठेले हैं, उनके हमने कलर से गोले बनवाए कि इसके अंदर 1 मीटर की दूरी रखते हुए खड़े रहें, और बार बार लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि जो भी छोटी मोटी खाने की चीज़ें हैं जो है वो आप पैदल चल के और सिंगल सिंगल आदमी जाके लेके आएँ, पर उसके बावजूद लोग व्हीकल्स लेके आ रहे हैं, भीड़ भाड़ कर रहे हैं। अब इनके साथ लगातार ज़्यादा सख्ती की जाएगी और इसको जो कोरोना का जो प्रकोप बढ़ रहा है इसको देखते हुए ज़्यादा सख्ती की जाएगी। अभी क्या हालात देखिए, अभी 2 सदस्य आए थे, कुछ विसर्जन करने आए थे, कुछ सीकर, ये लोगों में अभी भी इतना कुछ समझाने के सोशल मीडिया के अलावा TV अखबार सब बता रहे हैं, उसके बावजूद लोगों में अभी तक भी जागरूकता का अभाव है, कोरोना को मजाक समझा जा रहा है। और ये अभी भी 2 लोग आए थे जिनकी गाड़ियाँ मैंने सीज की है, वो ईश्वर गणगौर की मूर्ति विसर्जन करने के लिए आ रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्ती से पेश आएंगे, सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com। सच के साथ।